हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत दिन से बहुत लोग कमेंट करके बोल रहा था कि राम जी का ड्राइंग करो, तो इसलिए मैंने सोचा कि 2024 में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट दिन है 22 जनवरी को, जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर होने वाला है, तो मैं सोच रहा था कि मैं राम जी का ड्राइंग करो। इसीलिए मैं ये वाला रेफरेंस पिक्चर को सिलेक्ट किया हूँ और रेफरेंस पिक्चर बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे मैं नहीं करूँगा, उसे मैं चेंज कर दूँगा। देख सकते हैं आप, पीछे का जो बैकग्राउंड है इसे मैं मेरे ड्राइंग में मैं नहीं करूँगा। और ये वाला जो रेफरेंस पिक्चर है वो A3 साइज में नहीं है और मैं ड्राइंग A3 साइज में ही करूँगा, तो इसीलिए पहले मैं पिक्चर को थोड़ा सा एडिट कर लूँगा, देन उसके बाद मैं A3 साइज में कन्वर्ट करके इसको ग्रिड करूँगा, देन इसके बाद मैं इसको आउटलाइन करूँगा। तो मैं कैसे कर रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। ये जो रेफरेंस पिक्चर है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। और जो ज्वेलरी वगैरह है वो बहुत ही फेक लग रहा है, उतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा रेफरेंस पिक्चर और मेरा जो ड्राइंग है वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा चेंज करके इसे करूँगा। तो फिलहाल तो मैं इसे पहले एडिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ग्रिड करता हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले मैं चला जाऊँगा पिक्सल ऐप पर, देन इसको ओपन करने के बाद मैं पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा और इसको थोड़ा सा एडिट करूँगा। पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और उसके बाद A3 साइज में कन्वर्ट करके हम इसे एडिट करेंगे, देन इसको ग्रिड करेंगे। तो देखो, पहले इमेज साइज में हमको चले जाना है, इधर इमेज साइज को करके हमको स्क्वायर करना है, तो मैं स्क्वायर कर लिया हूँ। और उसके बाद वो वाला पिक्चर हमें इसको ऐड करना है, तो फ्रॉम गैलरी से हम इसे पिक्चर को ऐड करेंगे इधर। तो ये वाला जो पिक्चर है मैंने इसको ऐड कर दिया है, इसको टिक पर क्लिक करना होगा। देन देखो, पिक्चर को मिडिल साइड में हम रखेंगे और उसके बाद नीचे का जो ये एरो वाला ऑप्शन है इसको हमको इस तरीके से हमको घुमाना है, इस तरीके से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। देन थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और जूम करने के बाद पिक्चर इस तरीके से रेडी हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा दिख रहा हूँ कि कौन सा साइज में रखने से ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे करना। और ये वाला जो पिक्चर मैं एडिट कर रहा हूँ इसका लिंक भी मैं दे दूँगा, ताकि अगर आप A3 साइज में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके अब मैं इसे सेव कर लूँगा। और सेव करने के लिए हमें इधर जाना है, सेव एस इमेज में सिलेक्ट करना है और कस्टम में जाके हमको अल्ट्रा कर देना है और सेव टू गैलरी कर देना है। देन इसके बाद देखो, मेरा जो पिक्चर है वो सेव हो गया है। अब हमको इसे ग्रीट करना है और ग्रीट करने के लिए हमें ये वाला ऐप में जाना है, देन इसके बाद न्यू इमेज में सिलेक्ट करना है, A4 है इधर, तो पेज साइज हमको A3 करना है। देखो, A3 हमने कर दिया। अब जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है चूज इमेज, उधर सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद वो वाला पिक्चर ले आना है। तो देखो, चूज इमेज पर सिलेक्ट कर लिया हूँ, देन इसके बाद जो पिक्चर है उसे सिलेक्ट करूँगा। देखो, अभी जो है वो A3 साइज में हो गया है और मेरा जो पिक्चर है रेफरेंस पिक्चर वो भी साइड में, देखो ये वाला जो बैकग्राउंड हमने लगाया वो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड है, नहीं तो ये A3 साइज में नहीं आता। तो आप ऐसे थोड़ा सा कस्टम करके आप पिक्चर को किसी भी साइज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, देन इसके बाद आप इसे ग्रिड कर सकते हैं। तो मेरा पेज हो गया है, अब मैं इसको ऊपर जो टिक मार्क है उसे क्लिक करूँगा, देन इसके बाद इसका ग्रिड हो जाएगा। और मैं हर एक बॉक्स का 2 सेमी ही रखूँगा, 2 सेमी रख के हमको पेज में भी उस तरीके से मेजरमेंट करना है। तो मैं पेज को रेडी कर लेता हूँ, देन इसके बाद आउटलाइन करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।
तो इस पार्ट में मैं बस इतना ही आउटलाइन करूँगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका पूरा आउटलाइन कंप्लीट कर लूँगा। रेफरेंस पिक्चर का लिंक मैं दे दूँगा और मैं जो कस्टम किया था पेज उसका भी लिंक दे दूँगा और मेरा ड्राइंग किया हुआ पिक्चर का लिंक भी मैं दे दूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के लिए टाटा, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। बाय। बिहारी।